देखिए ये पपीते की टूटी फूटी बन के तैयार हो गई है। तो आप किसी भी एक एयर टाइट डिब्बे में इसे भर के रख दीजिए, काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती है। तो आप इससे केक बना सकती हैं और भी बहुत सारी मिठाइयाँ उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काव्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। तो उसके लिए देखिए हमने ये एक पपीता लिया है, देख कच्चा पपीता लिया है, और ये हमने फूड कलर लिए हैं। इसमें हमने ये रेड, येलो और ग्रीन कलर लिया हमने, और ये 400 ग्राम चीनी ली है, क्योंकि ये 300 ग्राम पपीता है तो हम 400 ग्राम चीनी लेंगे। तो यह एक कटोरी से आप नाप के ले सकती हैं, और 400 ग्राम हमने ली है। तो सबसे पहले हम ये पपीता छील लेंगे। ये देखिए सारे पपीते हमने दोनों छील लिए, इसको हम पतला पतला कट कर लेंगे, और इसके हमें बहुत छोटे छोटे से इसके टुकड़े कट करने हैं। तो इस टाइप से हम पहले कट कर लेंगे। ऐसे हम और इसके पतले स्लाइस करेंगे इस टाइप से, और ये हम इतने छोटे छोटे कट कर लेंगे इस टाइप से। देखिए तो इनको हम पहले कट कर, ये देखिए सारा पपीता हमने कट कर लिया है बारीक बारीक। तो इसको हम बॉयल करेंगे। देखिए ये 2 ग्लास हमने पानी ले लिया है, तो इसमें हमने जो ये पपीता हमने जितना भी है इसको हम इसमें डाल करके इसको हम 2 से 3 मिनट लिए हाई फ्लेम पे बॉयल कर लेंगे। तो इसको हम ढक करके बॉयल करेंगे। तो ढक करके ये देखिए ये पपीता है, ये बॉयल हो चुका है। तो इससे हमें बहुत पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही करना है। तो अब इसका हम पानी छान देंगे। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ये 1 ग्लास पानी लिया है, और जो ये हमने चीनी ली थी, पानी हमें 1 ग्लास ही डालना है, बहुत नहीं डालना। और इसका हम ये चीनी जब तक गल नहीं जा रही तब तक हमें इसे अच्छे से, ये देखिए चाशनी अच्छे से बन गई है। तो इसमें हमने जो ये बॉयल पपीते हैं इनको हम डाल करके हाई फ्लेम पे हम 5-7 मिनट के लिए इसे अच्छे से बॉयल करेंगे। ये देखिए तो ये शुगर सिरप में हमने इन्हें 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लिया हाई फ्लेम पर। तो इसकी गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए तो ये हमने 3 कटोरियों में अलग अलग निकाल लिया है। तो इसमें हम ये येलो कलर डाल रहे हैं, तो ये हमें 1 पिंच ही कलर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे फूड कलर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये येलो कलर में है, देखिए एक में हम ये ग्रीन कलर डालेंगे। और इसमें हम ये रेड कलर डालेंगे, 1 पिंच के करीब ही हम डालेंगे कलर, बहुत ज़्यादा नहीं हमें कलर डालना है। तो देखिए ये येलो कलर हो गया है। देखिए इसमें अच्छे से शुगर सिरप मिक्स हो गया, कलर भी अच्छे से मिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने पपीते हैं इनको अच्छे साइड में करके, और इसका सिरप हम कटोरी में रहने देंगे, और इसको हम एक प्लेट में या किसी चीज़ में निकाल लेंगे। तो इस टाइप से करके हम निकाल ले रहे हैं तीनों को। ये देखिए ये हमने पपीते जो टूटी फ्रूटी बनाए इनको निकाल के रख दिया है ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। तो इसको हम पंखे के नीचे रख देंगे तो ये सूख जाएंगे। तो इनको हम सुखा के तब किसी भी डिब्बे में भर के रखेंगे, और जो इसका ये शुगर सिरप बचा है तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम शरबत बना सकते हैं, तो काफ़ी यूज़ में आ सकता है, तो इसको हमें फेंकना नहीं है। तो इसको हम पहले सुखा लेंगे। ये देखिए ये पपीते की टूटी फूटी बन के तैयार हो गई है। तो आप किसी भी एक एयर टाइट डिब्बे में इसे भर के रख दीजिए, काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती है। तो आप इससे केक बना सकती हैं और भी बहुत सारी मिठाइयाँ उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आप अपने